स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत जान पा रहे थे दोषों के बारे में। दरअसल हम चार डिफेक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान पाए थे वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका डिफेक्ट, रिक्तिका दोष के बारे में। उसके बाद हम लोग सीखने की कोशिश किए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। अब हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंकल दोष के बारे में जानेंगे और शॉटकी दोष के बारे में जानेंगे। फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट ये है क्या? दरअसल जो शॉटकी डिफेक्ट होते हैं ये दोनों, ये जो होते हैं आपस में रिक्तिका दोष से मिलते जुलते हैं। रिक्तिका दोष में होता क्या है, कोई क्रिस्टल होता है, हल्का सा टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाता है तो उसमें से जो अवयवी कण होते, पार्टिकल होते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं परमाणु अणु आयन। बिल्कुल वैसे ही जो दोष होता है वो फ्रेंकल दोष या सॉरी शॉटकी डिफेक्ट यानी शॉटकी दोष के अंतर्गत घटना घटती है। दरअसल शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है, कोई आयनिक क्रिस्टल होता है और ये जो आयनिक क्रिस्टल है ये छोटे छोटे आयनों से क्या होता है, भरा होता है। इस प्रकार ये छोटे छोटे आयनों से ये भरा होगा और होता क्या है कि जब ये स्पेस पाएंगे, यानी कि जब ये स्पेस पाएंगे कहीं ना कहीं ये निकल के छोड़ के क्या होते, बाहर निकल जाते हैं। ये बात एक यहाँ पे हम और बढ़ा दे रहे हैं इसे, इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज यहाँ बैठाएंगे, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट आप ऐसे समझिए कोई आयनिक क्रिस्टल होंगे उसमें से जो आयन्स होंगे यानी धनायन या ऋणायन, कैटायन या एनायन शॉर्ट कर जाते हैं, यानी कि यहाँ से क्या होंगे, ये शॉर्ट कर जाएंगे अपने से स्पेस को छोड़कर, ये बाहर हो जाएंगे। जैसे यहाँ भी आप देख पा रहे हैं सभी आयन्स आपस में मौजूद हैं, अब यहाँ पर ये आयन्स क्या होगा, ये शॉर्ट कर जाएगी। ये देखिए ये यहाँ से निकल कर ये बाहर हो गया, निकल के इस स्पेस को छोड़कर ये निकल गया बाहर, राइट। तो बच्चों इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा इसे हम लोग शॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे। शॉटकी डिफेक्ट, इसे शॉटकी नामक वैज्ञानिक 1913 ईस्वी में दिया था। और अगर शॉटकी डिफेक्ट की घटना घटती है तो जो आयनिक क्रिस्टल होंगे उनके जो डेंसिटी होंगे, घनत्व होंगे, वो क्या होगा, घट जाएगा, राइट। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, जरा सा टेम्परेचर यदि अधिक होता है तो इस प्रकार की घटना घटती है। तीसरी बात यह कि शॉटकी डिफेक्ट भी रिक्तिका दोष जैसा है तो शॉटकी डिफेक्ट का भी जो डेंसिटी होगा बच्चों वो घटता रहेगा, अगर इस प्रकार की डिफेक्ट, इस प्रकार की घटना घटेगी तब, राइट। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग शॉटकी डिफेक्ट के बारे में सीख पाए। चलिए अब हम लोग जानते हैं फ्रेंकल दोष के बारे में। फ्रेंकल दोष है क्या? दरअसल जो फ्रेंकल दोष होता है इसे फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और फ्रेंकल दोष में क्या होता है, ये घटनाएं तब घटती है जब आयनिक क्रिस्टलों में आयन की मात्रा अधिक हो। दूसरी बात कि जब भी फ्रेंकल दोष जैसी घटना, फ्रेंकल डिफेक्ट जैसी घटना घटती है तो इसका जो डेंसिटी होता है वो सेम रहता है, वो बराबर रहता है। कब फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट की घटना घटती है, यहाँ पर होता क्या है। पहले हम लोग जब रिक्तिका दोष के बारे में जान पा रहे थे तो वहाँ पर किसी क्रिस्टल में से परमाणु या अणु निकल कर क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहे थे। उसके बाद हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में जान पाए तो वहाँ पर जो घटनाएँ घट रही थी, जो आयन्स थे, पार्टिकल सॉरी जो एटम्स थे वो इंटरस्टिशियल में भी उपस्थित थे। उसके बाद हम लोग जान पाए शॉटकी डिफेक्ट। दरअसल जो शॉटकी डिफेक्ट होता है इसमें से जो आयन्स होते हैं वो शॉर्ट कर जाते हैं, यानी कि वो गायब हो जाएंगे, निकल के बाहर हो जाएंगे। जो फ्रेंकल दोष की घटना घटती है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आयन्स उपस्थित हैं, जो कोई ये आयनिक क्रिस्टल है और यहाँ पर ये इस स्थान को छोड़कर ये आएगा कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल में बैठ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आएगा, बैठ जाएगा, राइट। अब ये जो आप देख रहे हैं, सपोज मान लीजिए हमने कहा का ये, हम यहाँ से क्रिस्टल लेते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ के ये क्रिस्टल छोड़ के ये यहाँ पर आएगा, बैठ जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो ऐसी जो घटनाएं घटती वो फ्रेंकल डिफेक्ट की जो घटनाएं होती हैं आयनिक क्रिस्टलों में घटती हैं, राइट।
तो बहुत ही ये सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, परीक्षा में कई बार पूछे भी जाते हैं, इनसे एक दो नंबर के बच्चों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमने काफ़ी वीडियो लेक्चर बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर आप जाकर सभी हेडलाइंस का बखूबी अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए जिन्हें इनकी काफ़ी जरूरत है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लॉट, धन्यवाद।